हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर 1 द टेल ऑफ पीटर रैबिट। तो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम उसकी एक्सरसाइज वार्म अप एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो वार्म अप में कंप्लीट द टेबल, ए नंबर में है आपकी कंप्लीट द टेबल, तो आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। तो माय पेरेंट्स टेल मी टू डू, माय पेरेंट्स हम लोगों के पेरेंट्स हम लोगों को क्या करने के लिए कहते हैं, और माय पेरेंट्स टेल मी नॉट टू डू क्या करने के लिए नहीं कहते हैं। तो ये आपके ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको उन्हीं से इसमें फिल करना है। तो हमारे पेरेंट्स हमको ब्रश माय टीथ, क्लीन माय रूम्स, वॉश माय हैंड्स, ग्रीट माय एल्डर्स, डू माय होमवर्क, एंड क्या करने के लिए नहीं कहते हैं, तो ईट सो मैनी स्वीट्स, लीव लाइट्स ऑन, वॉच टू मच टीवी। हम लोगों से कहते हैं कि वो हम लोगों को ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, लाइट को ऑफ करना चाहिए, एंड वॉश टू मच टीवी हमको ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। अब एक्सरसाइज है आपकी सी नंबर, मीराज मदर गेव सम गुड एडवाइस, उसको कुछ गुड एडवाइस दे रही है बट मीरा नहीं सुनती अपनी मम्मी की बात। तो मैच हर मदर्स वार्निंग एंड द रिजल्ट, वार्निंग एंड रिजल्ट मैच करना है आपको। तो डोंट फॉरगेट टू कैरी एन अम्ब्रेला, उनकी मम्मी मीरा की वार्निंग दे रही है कि अम्ब्रेला को साथ में लेकर जाओ, लेकिन मीरा क्या करती है, नहीं ले जाती है। तो मीरा गॉट वेट, मीरा गीली हो जाती है। डोंट स्टे अप टू लेट, तो इसमें सेकंड नंबर पे मीरा वॉज टायर्ड द नेक्स्ट डे। डोंट ईट सो मच स्वीट, सो मीरा हैड अ स्टमक एट, उसके पेट में दर्द होने लगता है। डू योर होमवर्क, तो मीरा डिड नॉट डू वेरी वेल इन द टेस्ट, तो वो टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाती। अगर वो होमवर्क नहीं करेगी, पढ़ेगी नहीं, तो अपना वर्क कैसे कर पाएगी। सो स्टार्टिंग आपकी चैप्टर, यू आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी अबाउट अ नॉटी रैबिट, अबाउट अ नॉटी रैबिट्स हु डिड नॉट लिसन टू हिज मदर्स वार्निंग। एक रैबिट की स्टोरी है ये, नॉटी रैबिट्स की, जो अपनी मम्मी की बात को नहीं सुनता है। तो देखिए उसके साथ क्या होता है, ये आप पढ़ेंगे। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज फोर लिटिल रैबिट्स एंड देयर नेम्स वर फ्लॉपसी, मॉपसी, कॉटन टेल एंड पीटर। दे लिव्ड विद देयर मदर्स अंडरनीथ द रूफ ऑफ अ वेरी बिग फर ट्री। कुछ समय पहले एक देयर वॉज फोर लिटिल रैबिट्स थे, जिनके नाम थे फ्लॉपसी, मॉपसी, कॉटन टेल एंड पीटर, जो रहते थे अपनी मम्मी के साथ अंडरनेट द रूफ ऑफ वेरी बिग फिर ट्री। फिर ट्री इज अ टाइप ऑफ ट्री विच कीप्स इट्स लीव्स ऑल ईयर, एक ऐसा पेड़ है जो हमेशा पूरे साल जिसमें पत्तियाँ निकलती हैं, उस पेड़ के नीचे उसमें वो लोग रहते थे। नाउ माई डियर्स सैड ओल्ड मिसेज रैबिट, मिसेज रैबिट हैं जो अपने बच्चों से कह रही हैं, नाउ माई डियर्स यू मे गो इन टू द फील्ड और डाउन द लेन बट डोंट गो इन टू मिस्टर मैकग्रेगर्स गार्डन। देन ओल्ड मिसेज रैबिट टुक अ बास्केट एंड हर अम्ब्रेला एंड वेंट थ्रू द वुड टू द बेकर्स। तो मिसेज जो मिसेज रैबिट थी, वो अपने बच्चों से कह रही हैं कि यू मे गो इनटू द फील्ड, तुम लोग जब फील्ड में चले जाना और डाउन द लेन में चले जाना, बट डोंट गो इनटू मिसेज ग्रेगर्स, मिस्टर ग्रेगर्स के गार्डन में नहीं जाना। देन ओल्ड मिसेज रैबिट, जो मिसेज रैबिट थी, वो अपनी एक बास्केट लेती हैं और अपना अम्ब्रेला लेती हैं एंड वेंट थ्रो द वुड टू द बेकर्स, और वो लकड़ी के ऊपर चढ़कर मतलब अपने जंगल के थ्रू बेकर की शॉप में जाती हैं। फ्लॉपसी, मॉपसी एंड कॉटन टेल हु वर गुड लिटिल बनीस, ये तीनों तो अच्छे बनीस थे, जो वेंट डाउन द लेन टू गैदर ब्लैकबेरीज, जो एक साथ जाते हैं ब्लैकबेरीज के गार्डन में। ब्लैकबेरीज आर डार्क बेरीज दैट आर स्वीट एंड जूसी, लेकिन जो पीटर था हु वॉज वेरी नॉटी, वो बहुत ही नॉटी था, मतलब बहुत ही शैतान था। वो किसी की अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानता था, जो उनके पेरेंट्स उनसे बोलते थे
रैन स्ट्रेट अवे टू मिस्टर मैकग्रेगर्स गार्डन। वो सीधे दौड़ते हुए सीधे मिस्टर मैकग्रेगर के गार्डन में जाता है। फर्स्ट ही एट सम लेट्यूस एंड सम फ्रेंच बीन्स एंड टेल, देन ही एट सम रेडिसेस। सबसे पहले तो वो वहाँ जाकर लेट्यूस खाता है, सम फ्रेंच बीन्स खाता है एंड देन ही ईट्स रेडिसेस, फिर वो रेडिस खाता है। लेट्यूस आर प्लांट्स विद लार्ज लीव्स, दे आर ईटन इन सैलड, जिसको हम लोग सैलड में खाते हैं। और उसके बाद एंड देन फीलिंग रेदर सिक, उसके बाद उसको कुछ थोड़ा सा सिक जैसा लगता है। ही वेंट टू लुक फॉर सम पार्सले, उसके बाद वो कुछ पार्सले के पास जाता है, उसको खाता है। पार्सले इज़ अ टाइप ऑफ प्लांट्स दैट मेक फूड टेस्ट गुड, एक ऐसा प्लांट्स होता है जो हमारे खाने को टेस्टी बनाता है। बट देयर होम शुड ही मीट बट मिस्टर मैकग्रेगर, अब वो आगे बट देयर, लेकिन वो जाता है, लेकिन उसे जिससे मिलना होता है उससे ना मिलकर वो मिस्टर मैकग्रेगर को मिल जाता है। मिस्टर मैकग्रेगर रैन आफ्टर पीटर, मिस्टर मैकग्रेगर्स पीटर के पीछे दौड़ते हैं वेविंग अ रैक, एक रैक को घुमाते हुए। एक रैक, वॉट इज़ रैक? रैक इज़ अ टूल विद अ लॉन्ग हैंडल, जिसमें लॉन्ग हैंडल होता है, यूज्ड फॉर रिमूविंग लीव्स फ्रॉम द ग्राउंड, से लीव को हटाने में रैक को यूज़ करते हैं हम लोग। एंड कॉलिंग आउट स्टॉप थीप, और कहते हुए चाहते हैं कि स्टॉप थीप। पीटर वॉज वेरी फ्राइटेंड, ही रश्ड ऑल ओवर द गार्डन बिकॉज ही हैड फॉरगॉटन द वे बैक टू द गेट। पीटर वॉज वेरी फ्राइटेंड, पीटर बहुत ही डर गया था। ही रश्ड ऑल ओवर द गार्डन, वो पूरे गार्डन में इधर उधर दौड़ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करें, बिकॉज वो बाहर निकलने का रास्ता जो गेट था उसको भूल गया था। ही लॉस्ट वन ऑफ हिज शूज एमंग द कैबेजेस एंड द अदर शूज एमंग द पोटैटोज, उसने अपना वन शूज तो कैबेज के पास कहीं खो दिया और दूसरा उसने जो था वो पोटैटोज के पास कहीं खो दिया। आफ्टर लूजिंग दैम ही रैन फास्टर सो दैट ही माइट गेट अवे ऑल टुगेदर, बट ही गॉट कॉट इन अ गूसबेरीज नेट बाय द लार्ज बटन्स ऑन हिज जैकेट। इट वॉज अ ब्लू जैकेट विथ ब्रास बटन क्वाइट न्यू। आफ्टर लूजिंग दैम, अपने शूज को खोने के बाद वह दौड़ता हुआ जाता है, सो दैट ही माइट गेट अवे ऑल टुगेदर, बट ही गॉट कॉट इन गूसबेरी, लेकिन वो जल्द दौड़ता हुआ जा रहा होता, लेकिन वो कहाँ फंस जाता है? गूसबेरी नेट में। गूसबेरी नेट इज़ अ मटेरियल यूज टू कवर फ्रूट्स प्लांट्स टू स्टॉप बर्ड्स ईटिंग दैम। गूसबेरी नेट क्या होता है? जो ऐसा मटेरियल होता है जो फ्रूट्स के ऊपर कवर कर देते हैं जिससे कि बर्ड्स उनको ना खा पाए। बाय द लार्ज बटन, जो उसकी जैकेट वो पहने होता है उसकी लार्ज बटन जो होती है वो उसमें फंस जाती है। इट वॉज अ ब्लू जैकेट, उसकी ये ब्लू जैकेट होती है जिसमें ब्रास की बटन होती है जो न्यू होती है जो उसमें फंस जाती है। पीटर स्टार्टेड क्राइंग, पीटर रोने लगता है। हिज सॉब्स वर हियर्ड बाय सम फ्रेंडली स्पैरो, दे फ्लू टू हिम एंड इनकरेज्ड हिम टू ट्राई टू फ्री हिमसेल्फ। पीटर रोना चालू कर देता है। सॉब्स इज अ साउंड यू मेक वैन यू क्राई दैट टेक शॉर्ट ब्रीथ। सॉब्स मतलब जब हम लोग रोते हैं तो नहीं सुबकते हैं, हल्के हल्के से। वर हियर्ड बाई सम फ्रेंड, जो उसके सुन लेते हैं कुछ उसके फ्रेंड्स होते हैं स्पैरो, दे फ्लू टू हिम, वो उसको उड़ा ले जाना चाहते हैं एंड उसको इनक्रेज करते हैं हिम टू ट्राई टू फी फ्री हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को वहाँ से आज़ाद करें। सडनली मिस्टर मैकग्रेगर्स केम अप विद अ सीव, ही वॉन्टेड टू पॉप इट ऑन टॉप ऑफ पीटर बट पीटर एस्केप जस्ट इन टाइम लीविंग हिज जैकेट बिहाइंड हिम। सडनली मिस्टर मैकग्रेगर्स आते हैं विद केम अप विद अ सीव। सीव इज अ टूल्स यूज टू सेपरेट स्मॉल पीसेस फ्रॉम बिगर पीसेस। सीव एक ऐसा टूल्स है जो सेपरेट करता है स्मॉल पीसेस एंड बिगर पीसेस को, एक दूसरे से अलग करता है। ही वॉन्टेड टू पॉप इट ऑन टॉप ऑफ पीटर, वो उसको जो सीव लेकर आए थे वो उसको उसको पीटर के ऊपर कर मारना चाहते थे, बट पीटर जस्ट उसी समय बच के निकल जाता है। कैसे? वो अपनी जैकेट को वहीं पर छोड़ देता है और वो उससे निकल जाता है। ही रज इन टू द टूल शेड एंड जम्प इन टू अ कैन, ही हैड अ लॉट ऑफ वाटर इन इट। मिस्टर मैकग्रेगर्स वॉज क्वाइट श्योर दैट पीटर वॉज हाइडिंग अंडर वन ऑफ द फ्लावर पॉट्स। ही बिगन टू टर्न दैम ओवर केयरफुली लुकिंग अंडर ईच।
ही रश्ड, वो दौड़ता हुआ जाता है तो उसे एक टूल शेड मिलता है, वहाँ पर वो चला जाता है और जंप कर देता है एक कैन के अंदर। इट हैड अ लॉट ऑफ वाटर, जिसके अंदर बहुत सारा पानी था। लेकिन मिस्टर जो मैकग्रेगर्स थे, उन्हें लगा कि पीटर ने अपने आप को एक फ्लावर पॉट के नीचे छुपा लिया है। ही बिगन टू टर्न, वो सारे फ्लावर पॉट को वन बाय वन पलटने लगते हैं और देखने लगते हैं। प्रेजेंटली पीटर स्नीज्ड, एकदम से पीटर ने स्नीज किया, छींका उसने, तो मिस्टर मैकग्रेगर उसके पीछे दौड़ते हुए आए। तो पीटर ने जंप किया, अपने आप को बाहर निकाल लिया विंडो के। तो विंडो जो थी वो छोटी थी, विंडो वॉज वेरी स्मॉल फॉर मिस्टर मैकग्रेगर के लिए, एंड वो उससे बाहर नहीं निकल पाए। तो ही वॉज ट्राइड टू ऑफ रनिंग आफ्टर पीटर, वो पीटर के पीछे दौड़ते हुए उधर गए बाहर की तरफ। ही वेंट बैक टू वर्क, लेकिन पीटर जब उन्हें दिखा नहीं तो वो अपना फिर से काम करने लगे। पीटर बिगेन लुकिंग अराउंड, और पीटर इधर उधर चारों तरफ देखने लगा फिर से। आपको आज हम यही चैप्टर पूरा यहीं तक एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट आपको पेज आपका नेक्स्ट टर्न में एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग इतना ही अभी कंप्लीट करेंगे और इसकी ये एक्सरसाइज जो है फिल इन द ब्लैंक्स, आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स इसके एक्सरसाइज नंबर ए ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आएगा फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसमें ऑप्शन चूज करने हैं आपको, उसमें आपको फिल करना है। तो सैड में गो डैश सैड में गो इन टू द फील्ड और डाउन द लेन बट डोंट गो इन टू मिस्टर मैकग्रेगर्स गार्डन। ये किसने उससे कहा था? मिसिस रैबिट ने कहा था कि कहीं पे भी जाना आप लोग, फील्ड में जाना, डाउन द लेन में जाना, लेकिन मिस्टर मैकग्रेगर्स के गार्डन में आपको नहीं जाना है। तो पीटर वॉज नॉटी, ही रैन स्ट्रेट इन टू द गार्डन एंड एट रेडिशेस लेट्यूज एंड बीन्स। तो बी नंबर इसमें आएगा क्योंकि वह अपनी मम्मी की बात तो मानता नहीं है था और वो सीधा दौड़ता हुआ उनके गार्डन में जाता है, वहाँ पर वो रेडिस लेट्यूज और बीन्स को खाता है। थर्ड नंबर में सैड स्टॉप थीप, कौन उससे कहता है कि स्टॉप थीप्स? तो मिस्टर मैकग्रेगर सैड स्टॉप थीप। पीटर लॉस्ट हिज शूज, वो अपनी बेल्ट को खोता है कि शूज को? तो पीटर लॉस्ट हिज शूज इन मिस्टर मैकग्रेगर्स गार्डन। फाइव नंबर है पीटर वॉज नॉट वेल, पीटर शाम को ड्यूरिंग द इवनिंग वो नॉट वेल, वो अच्छा नहीं था। तो आप लोग ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर लेंगे एंड बी नंबर की एक्सरसाइज भी आप फिल्स कर सकते हैं। अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड्स टू कम्प्लीट द सेंटेंस, ये भी आपका टिक वाले हैं। तो मिसिज रैबिट सेड द बनीस कुड गो डाउन द लेन, कुड गो टू द गार्डन या डाउन द लेन, तो डाउन द लेन में आप टिक करेंगे। नेक्स्ट है पीटर डिड नॉट लिसन टू हिज मदर, वो अपनी मम्मी की बात नहीं मानता है तो डिड नॉट लिसन आ जाएगा यहाँ पर। फर्स्ट पीटर एट, सबसे पहले पीटर ने क्या खाया था? तो लेट्यूसेस में आप टिक करेंगे, लेट्यूसेस। पीटर लॉस्ट हिज जैकेट, पीटर ने क्या खो दिया था वहाँ पर? अपना जैकेट। शूज इन द ग्रॉसबेरी नेट, पीटर हाइड इन अ कैन, पीटर ने अपने आप को कैन में छुपाया था तो कैन आएगा। और पीटर हैड ब्रेड बट मिल्क एंड ब्लैकबेरीज, नो कैमोमाइल ट्री फॉर सुपर, तो यहाँ पर कैमोमाइल टी आएगा, उस पर टिक करेंगे हम। तो ये एक्सरसाइज आप ए और बी इसको बुक में ही कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।